मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड क्लास का जीके में जो आपका नाइन्थ चैप्टर आपका दी ओलंपिक्स, इसको आज हम करेंगे। ओलंपिक्स के बारे में जानेंगे कि ओलंपिक्स क्या होता है और जो ओलंपिक्स के ये साइन होते हैं, ये कौन कौन सी जो कंट्री होती है, कौन कौन सी कंट्री के साइन है, इन सबको हम जानेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले ओलंपिक्स गेम जो था वो स्टार्ट किया गया था ग्रीस में 1896 में, 1896 में जो है हमारा ग्रीस के अंदर सबसे पहले जो है ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए गए थे। तो ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? ओलंपिक गेम्स को हर 4 साल बाद एवरी फोर्थ ईयर लेटर्स खेला जाता है, और जिसके अंदर अलग अलग कंट्री जैसे इंडिया है, अमेरिका है, सब अलग अलग कंट्री से अलग अलग जो हैं गेम खेले जाते हैं। सब अलग अलग जो है गेम लेकर जाते हैं, कोई हॉकी, क्रिकेट वगैरह ये सब गेम खेले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ये दिया हुआ है सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स, ये हमारे ओलंपिक गेम का सिंबल है। और इनको जो ये कलर दिए हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है? एक साथ, यानी सारी कंट्रीज़ को एक साथ जोड़ के रखना, जैसे ये आपस में सब चेन की तरह बने हुए हैं, सब आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, इस टाइप में ओलंपिक्स का मतलब होता है सब कंट्रीज़ को आपस में एक साथ जोड़ के रखना। तो जो ये हमारा पहला जो रिंग है, हमारी फर्स्ट जो रिंग है हमारी ब्लू कलर की, वो है हमारा यूरोप का साइन। यहाँ पे हम फिल करेंगे EUROPE। सबसे पहली जो फर्स्ट है हमारी, वो है हमारा यूरोप का साइन। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड रिंग जो इसमें फिल की है, सेकंड रिंग को जो यहाँ पे अटैच किया हुआ है, सेकंड रिंग है हमारी एशिया की, ASIA। यहाँ फिल करना है आपको एशिया। एंड उसके बाद जो हमारी ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर की जो रिंग है, ब्लैक कलर में हम फिल करेंगे अफ्रीका। ये ब्लैक होती है हमारी अफ्रीका की, AFRICA। और उसके बाद हमारी जो ग्रीन कलर में जो ये ग्रीन कलर की रिंग है, ग्रीन कलर की रिंग होती है ऑस्ट्रेलिया की, AUSTRALIA। आप अपनी बुक में फिल करोगे ऐसे ही। एंड उसके बाद जो फिफ्थ है, ये फिफ्थ जो रिंग है, फिफ्थ रिंग है हमारी अमेरिका की, फिफ्थ रिंग है अमेरिका, AMERICA। ये सब जो रिंग्स हैं, ये कंट्रीज़ के सब के जो फ्लैग्स के कलर होते हैं, उन सबको मैच करके ये बनाए गए हैं। इन कलर्स के अंदर क्या होता है, इन कलर्स की जो ये बनाया है, ये साइन बनाया है ओलंपिक का, इसका मतलब है सारी कंट्रीज़ को आपस में जोड़ के रखना। ये है हमारे ओलंपिक्स का साइन। ये आप सबको याद रखना है कि ओलंपिक्स का साइन इस तरीके से होता है, इस टाइप में बनाया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे द फाइव रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट फाइव कॉन्टिनेंट्स। तो ये फाइव रिंग्स हैं हमारे, पांच कॉन्टिनेंट्स को, पांच कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। चूज फ्रॉम द हेल्प बुक्स एंड राइट द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स करेक्ट रिंग। तो यहाँ पे जो आपका हेल्प बुक दी हुई है, यहाँ से आपको चूज़ करके इनमें जो है लिखना है। तो यहाँ पे आप फिल करोगे जो है अफ्रीका तो है थर्ड रिंग का, यूरोप है फर्स्ट रिंग का, इस टाइप में आपको यहाँ से एंड यहाँ पे आपको बुक वर्क फिल करना है। एंड उसके बाद आता है ओलंपिक वैल्यूज़। ओलंपिक वैल्यूज़ क्या है? एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप आर द 3 कोर वैल्यू ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स की जो वैल्यूज़ हैं हमारी, वो क्या है, मतलब क्या है ओलंपिक को खेलने का? एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, दोस्ती ताकि कंट्रीज़ में बनी रहे, आपस में रिस्पेक्ट बना रहे, एक्सीलेंस बनी रहे। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है, ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपका जो कलेक्ट में दिया हुआ है, द ओलंपिक गेम्स वर नेम्ड देयर लोकेशन एट ओलंपिया, ए सेक्रेड साइट लोकेटेड नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेंशिला इन साउथर्न ग्रीस। तो जो ये हमारा ओलंपिक गेम्स था, वो हमारा ओलंपिया नाम का जो एक शहर है, सिटी है, उसके अंदर बनाया गया था, उसकी वजह से बनाया गया था। और ए सेक्रेट साइट लोकेटेड नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेंशिला इन साउथर्न ग्रीस। ग्रीस में जो है हमारा एक ओलंपिया नाम का जो है सिटी है, उसके अंदर ओलंपिक को बनाया गया था। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, दी ओलंपिक्स, ओलंपिक गेम्स बोला जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ डिक्शनरी में
ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं इन्हें क्या बोला, क्या होते हैं ओलंपिक गेम्स, ये होते हैं ए सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं अलग अलग टाइप के, हॉकी है, रेसिंग है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, बहुत सारी चीज़ें खेली जाती है। तो यहाँ पे ए सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट कौन से होते हैं जिसमें पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के जो हैं गेम खेले जाते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विच टेक प्लेस एवरी फोर ईयर्स, जो कि हमेशा चार साल के बाद खेला जाता है, ईच टाइम इन अ डिफरेंट कंट्री, हर बार चार साल के बाद ये जो है ओलंपिक गेम खेला जाता है, हर बार अलग अलग कंट्री में खेला जाता है इसको, और इसके अंदर सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो हैं कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के गेम, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, तो यही हमारा क्या है ओलंपिक्स होता है। तो जो ओलंपिक था वो ग्रीस में ओलंपिया नाम के जो हैं, ओलंपिया नाम की सिटी में बनाया गया था, सबसे पहले खेला गया था 1896 में, 1896 जो ये लिखा हुआ है 1896 में सबसे पहले खेला गया था। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कंडक्ट करना है आपको, फाइंड आउट द ईयर्स एंड कंट्रीज व्हेन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड फ्रॉम